फ्रेंड्स, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपना कंपाउंड एंड इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था, चक्रवृद्धि ब्याज अपन ने कर लिया था। आज अपन को इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त स्टार्ट करना था, लेकिन मैंने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी कुछ मिक्स क्वेश्चंस रहे हुए थे, तो आज इसका लास्ट अपन सेशन करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट की फोर्थ क्लास होगी ये, ठीक है ना। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा, अपने कुछ टाइप के जो क्वेश्चन है वो रह गए थे, आज उसे कंप्लीट कर लेंगे। अगली वीडियो में अपन स्टार्ट कर लेंगे इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त, ठीक है। वो भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही बेस्ड है, लेकिन उसे अलग से अपन इंस्टॉलमेंट के तौर पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, स्क्रीन पर आ जाएगा आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि किसी निश्चित मूलधन पर 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपये है, ठीक है। यानी कि 2.5 वर्षों का जो है ना ऐसा ही है वो 100 रुपये है, और लेकिन समान मूलधन एवं समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 85 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, सीधी सी बात है, 2.5 वर्ष यानी कि 5/2, 5/2 वर्ष का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है 100 रुपये। तो एक का कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा 5 से ये 20 बार कट गया, एक का हो गया 40 रुपये, ठीक है। जब एक का 40 रुपये हो गया, तो ऐसे कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है एक तो यहाँ पर तो फर्स्ट का, सेकंड ईयर का, और यहाँ पर एक और आता है जो फर्स्ट ईयर यहाँ पर ब्याज लगाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपन को कह रहा है कि टोटल मिलाकर 85 रुपये क्या है अपना, दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ईयर का जो 40 रुपये है, फर्स्ट ईयर का 40 रुपये क्या है, ऐसा ही है, यहाँ 40 होता है तो यहाँ भी 40 ही होता है, ठीक है, एक जितना होता है। फिर इस पर कुछ ब्याज लगता है ना। अब देखिए ब्याज लगता है, आप टोटल देख लीजिए पूरा कितना होता है, 2 साल का ब्याज 85 है तो 80 तो यहाँ हो गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन में कह रहा था कि 85 रुपये क्या है, टोटल हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, देख गया है। अब अपन से ऐसे पूछ रहा है कि क्या ज्ञात कीजिए, अपन से पूछ रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर जो अपन ने पी होगा वो ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 कैसे आया होगा, 40 को मैंने किससे गुणा किया होगा कि 5 आया होगा, देखिए 1/8 से अगर गुणा किया होगा तभी आया होगा, ठीक है। तो देखिए 40 को 1/8 से गुणा किया तो 5 आया। अब यहाँ पे 40 कब आया होगा, जब मैंने इस मूलधन को 1/8 से गुणा किया होगा, क्लियर है ना। तो देखिए मूलधन को अगर मैंने 1/8 से गुणा करता तो 40 आ रहा है फर्स्ट ईयर का ब्याज, ठीक है। तो पी बराबर क्या आ जाएगा, 8×4=32, यानी कि 320 रुपये, क्लियर है। कुछ भी नहीं था, पहले साल अपन पहले सबसे पहले तो अपन ने निकाला 1 साल का ब्याज, 1 साल का कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। अब 1 साल का साधारण ब्याज अगर यहाँ 40 है तो दूसरे साल भी 40 ही होता है, प्री मेथड पढ़ा रखा है ना। तो यहाँ पे कह रहा था कि टोटल में बस 85 चक्रवर्ती ब्याज है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ पर किससे गुणा करने पर आया होगा, 1/8 से, तो आगे भी अगर मैंने पी को 1/8 से गुणा किया होगा तो क्या आया होगा, 40 आया होगा, इस प्रकार से मूलधन निकल गया, क्लियर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने एक अलग सेक्शन में इनको ले लिया है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि किसी निश्चित ब्याज दर पर किसी मूलधन का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 व 3 साल का 40 रुपये और 125 रुपये है, ठीक है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, देखिए कुछ भी नहीं है, 2 साल और 3 साल की बात कर रहा है, 2 साल और 3 साल की बात जैसे ही आ रही है, यानी 3 साल की बात में मैंने आपको बताया था क्या लगता है, ट्री मेथड लगता है, तो ट्री मेथड लगा लो। ट्री मेथड में ये तो फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये डब्बा, एक डब्बा मैंने ये बनाया, एक डब्बा ये बना दिया, क्लियर है। अब ऐसे कह रहा है कि जो है 2 साल व 3 साल का अंतर, यानी 2 साल का अंतर तो 40 रुपये है, देखिए 2 साल का अंतर 40 रुपये कब आएगा, यहाँ पे कुछ भी हो इस पर ब्याज लगेगा, पहले साल पर ब्याज लगेगा, कह रहा है 2 साल का अंतर, यानी कि ये वाला एरिया, 2 साल का अंतर यही तो होता है ना, 2 साल का अंतर ये होता है जो कि इसके बराबर होता है, फिर ये इस पर ब्याज लगता है तो ये इसके बराबर होता है, यानी ये तीनों डब्बे सेम होते थे, याद कीजिए, फिर इस पर ब्याज लगता था, ठीक है, फिर ये टोटल मिलकर क्या हो जाते थे, 3 साल का अंतर हो जाता था,
क्लियर है। तो ऐसे कह रहा है 2 साल का अंतर 40 रुपये है, 40 है, हाँ 40, तो ये लीजिए 40 मैंने यहाँ लिख दिया। अब याद कीजिए 40 यहाँ है तो 40 यहाँ अपने आप ही हो जाता था और यहाँ भी 40 हो जाता था, यानी कि सेम चलता था, ये जो 3 डिब्बे थे वो सेम थे, ठीक है। अब ऐसे कह रहा है कि जो टोटल है ना वो है 100, कितना दे रखा है 125 दे रखा है, तो देखिए इन तीनों को जोड़िए कितना हो गया 40 40 40 120 हो गया। अब टोटल कितना है 125, तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जैसी बात है, 125 टोटल है तो यहाँ पे 5 आएगा। अब ऐसे कह रहा है कि मेरे को मूलधन बताना है, यानी कि इससे भी एक आगे वाली स्टेप बतानी है, क्लियर है। पहले वाले में अपन से क्या पूछ रहा था, मूलधन ही पूछ रहा था, तो 320 आ गया था, अब यहाँ पर भी मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैं इसके अंदर लिख देता हूँ। अब देखिए 40 को 5 कैसे आया होगा, वही पहले वाली कहानी है, अगर मैंने 1/8 किया होगा तो ही 5 आया होगा, ठीक है। अब इसके आगे भी अगर मैं 1/8 करता हूँ तो पहले साल का ब्याज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 × 32 320 आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर 320 क्यों आया है, कब आया होगा, जब मैंने मूलधन को 1/8 किया होगा, सेम ही दर चलती है ना, तो दर आ गई 1/8 बराबर 320 के हो जाना चाहिए, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 × 8 = 16, 8 × 24 और 1 = 25। देखिए समझ में आया क्या कहा इसने कि मूलधन आ गया 2560, और कैसे आया रिवर्स चलने पर, रिवर्स अपन क्यों चले, कह रहा है कि 2 साल का अंतर 40 है तो यहाँ पर मैंने 40 लिख दिया। अब अपन को पता है कि 40 यहाँ है तो यहाँ भी 40 आएगा, ठीक है। अब यहाँ 40 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, जब 120 यहाँ हो गए तो ये 5 बचा, क्वेश्चन में गिवन है ना 125, तो यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ से 1/8 कर दिया, यहाँ से 1/8, फिर आगे से 1/8, 2560, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद करूंगा मैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि किसी निश्चित ब्याज दर पर किसी मूलधन के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दूसरे वर्ष तो 35 रुपये है और जबकि तीसरे वर्ष 77 रुपये है, ठीक है। अब ऐसे कह रहा है समान मूलधन और समान ब्याज दर पर 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज बताइए, 2.5 वर्षों का क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। देखिए सिंपल सी बात है, 3 वर्षों की बात तो आई गई है, अब 3 वर्षों की बात आ गई है तो ट्री मेथड लगेगा, ट्री मेथड में मैंने ये 3 डब्बे बना दिए, सबसे पहले पहले यहाँ पर सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्याज देगा वो यहाँ आएगा जो कि इसके बराबर होगा, है ना, समझते हैं ना आप। फिर ये वाला ब्याज देगा इसकी बारी, इस डब्बे की, ये तीनों सेम होंगे, ठीक है। अब इसकी बारी आएगी, ये देगा ब्याज, इस प्रकार से चलता था। अब ऐसे कह रहा है कि 2 वर्ष का जो अंतर है वो 35 रुपये है ना, 35 रुपये, 35 है हाँ, तो ये देखिए 35 मैंने यहाँ लिख दिया, है ना, 35 यहाँ है तो ये तीनों डब्बे तो सेम ही चलते हैं, है ना। अब ऐसे कह रहा है तीसरे साल का 77 है, देखिए 35 35 यहाँ आ गया 70, बाकी कितना बचा होगा 7। देखिए ये अगर आपने बना लिया ना तो आप समझ लो कि आपका क्वेश्चन बहुत हद तक हल हो चुका है। अब देखिए ऐसे कह रहा है आपको, आपको दर पता चल जाएगी, 35 से 7 कैसे आया होगा, जब मैंने इसे 1/5 से मल्टीप्लाई किया होगा, है ना। तो देखिए 1/7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, अब इसको आगे 1/5 से मल्टीप्लाई कर कर ही तो 35 आया होगा, है ना। तो ये क्या आ गया, पहले साल का ब्याज आ गया, कितना आ गया, 35 को 5 से गुणा कर लो, यहाँ पे आ गया 175 आ गया, ठीक है, मैंने इसको गुणा कर लिया, रिवर्स चल रहे हैं। अब ये तो आ गया पहले साल का साधारण ब्याज, पूछ रहा है 2.5 सालों का साधारण ब्याज, तो ये 1 साल का है, 2.5 साल का मतलब होता है 5/2, ये लीजिए 175 को मैंने 5/2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 55 25, 17 × 5 = 85, 85 × 2 = 87, ठीक है, अपॉन 2 कर दो कितना आ गया 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14 और 0.5 रुपीज़ आ गया, क्लियर है। कितना आंसर आ गया 437.5, ऑप्शन नंबर आ गया आपका ए, ए ही है हाँ। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, 2 साल का 35 था, 3 साल का 77 था, इस प्रकार से मैंने दर निकाली, फिर मेरे को पहले साल का ब्याज मिला, उसको मैंने 5/2 से गुणा कर दिया, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्या है फोर्थ क्वेश्चन, ऐसे कह रहा है कि किसी निश्चित मूलधन पर 12.5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर
495 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें मूलधन बताना है और अपन को 2.5 वर्षों का क्या दे रखा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। और दर देखिए 12.5, 12.5 क्या परसेंटेज। अब 12.5 का आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/8 याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 1/8 क्या है, इसकी वो है दर है। अब देखिए अपन को 3 सालों की बात तो हो ही रही है, जहां भी 2.5 साल की बात आ जाए यानी 2 साल से कुछ भी महीने आगे बढ़ जाए तो अपन क्या करते हैं, 3 साल का पूरा पूरा पहले निकालते हैं। तो 3 साल का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे 3 साल का निकालने के लिए ट्री मेथड लगाएंगे। और ट्री मेथड कैसे लगाते हैं, मूलधन को क्या मानेंगे अपन, इस डिनोमिनेटर का क्यूब, क्योंकि 3 साल की बात है, कितना मानेंगे, 512 मान लिया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 512 को 8 से 1/8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 64। अब यहाँ पे सेम चलेगा 64, क्लियर है। अब 64 को 1/8 करो, कितना आएगा 8, जो कि सेम चलेगा इधर, ठीक है। अब 64 की बारी है, वो देगा 1/8 करो, सेम चलेगा 8। अब इस 8 की बारी है, कितना आएगा 1/8 से आधा हो जाएगा। अब देखिए ये जो पूरा है ये किसका अंतर होता है, मैंने आपको कल परसों भी बताया था कितने का अंतर है, ये 3 सालों का अंतर है। अपन से बोल रहा है 2.5 सालों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो देखिए ये जो एरिया है ये 8 है, इस 8 को थोड़ा सही से लिख लेते हैं, ये 8 है, ये 2 साल का अंतर, ये 3 साल का अंतर, लेकिन अपन को 2 साल का तो पूरा पूरा चाहिए और 3 साल का आधा चाहिए, 2.5 साल की बात है ना, तो अपन केवल इस एरिया को आधा कर लेंगे, 1/2 कर लेंगे, कितना आ गया 8, तो ये आ गया प्लस ये कितना है 8 और 8 16 16 और 1 17 17/2 है, टोटल कितना आ गया 16 और 17 33/2 है। अब ये किसके बराबर है, 33/2 बराबर है 495 के, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। 33 से ये 15 टाइम्स कट जाएगा, तो एक की वैल्यू क्या आ गई, एक की वैल्यू आ गई 15 × 30 आ गई। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक की वैल्यू अगर 30 आ गई, अपन से कितने की वैल्यू पूछ रहा है, प्रिंसिपल कितना है 512 है, गुणा कर दो 30 से, कितना आ जाएगा 60315, यानी कि 15,360 रुपीस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए क्लियर है, बहुत आसान था, पिछले क्वेश्चन जैसा था, लेकिन ये तो 2 साल का पूरा पूरा ले लिया, इस तीसरे साल को आधा करके ले लिया, बराबर रख दिया, क्वेश्चन में गिवन था 495 में, ठीक है। अब ये पी से इसको गुणा कर दिया एक की वैल्यू निकाल के, क्लियर है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि ब्याज दर ज्ञात करनी है अपन को यदि एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज 6,000 रुपये है और 2 साल के लिए अर्जित चक्रवर्ती ब्याज 4,160 है। देखिए वीडियो को पॉज कीजिए, आप कीजिए एक बार, देखिए फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखा करें आप, है ना, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप पॉज करके कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आपने पॉज करके किया होगा, है ना। चलिए ऐसे कह रहा है कि मुझे रेट जो है वो बताओ, ठीक है। और ऐसे कह रहा है कि जो 2 साल का जो ब्याज है ना, कितने साल का, 3 साल का साधारण ब्याज 6,000 रुपये है, तो 1 साल का क्या हो जाएगा 2,000 रुपये हो जाएगा, यहां तक क्लियर है। अब 1 साल के लिए 2,000 हो जाएगा और ऐसे कह रहा है कि 2 साल का पूरा जो चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4,160 है। तो देखिए यहां पे मैंने लगाया पहला साल, यहां पे दूसरा साल, पहले साल का क्या है 2,000 है, दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा 2,000। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये और ये वाला डिब्बा जो कि पहले साल का ब्याज होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज होता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि जो ये टोटल है ना वो 4,160 है, तो 2,000 तो ये रहा, 2,000 ये रहा, बचा कितना 160, ऑब्वियस सी बात है 160 बचेगा, क्लियर है। अब अपन से क्या कह रहा है कि दर बताओ, तो देखो दर कैसे निकालोगे, 2000 से कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आएगा, वही तो दर होगी। तो देखिए 160 को
को अगर मैं 2000 से भाग लगा के देख लेता हूँ, गुणा 100 कर लेता हूँ, तो वही तो दर आएगी दोस्तों। कितना हो जाएगा? 20 से 20 कट गई, 4 से काट दो ये 5 बार, 4 से कट जाएगा 40 बार, 5 से ये कट जाएगा 8 बार। कितनी आ गई दोस्तों? 8% आ गई, यानी कि 2000 का 8% 160 होगा। दर पूछ रहा था 8%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्लियर होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। 3 साल का साधारण था, 1 साल का साधारण 2000 हो गया, 2000 2000, यहाँ पे 160 हो गया, क्योंकि तीनों मिलाकर 4160 है। दर आपको निकालना आ ही गई। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलें? चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज से मूलधन जो है 8% बढ़ जाता है। देखिए यानी जो मूलधन है, यानी जो मिश्रधन बन जाता है 2 साल के बाद, जो धन बन जाता है ब्याज जुड़कर, वो 8% बढ़ गया है। क्लियर है? फिर कह रहा है 10 लाख रुपयों पर उसी दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। यानी पहले आपको फाइंड आउट करनी है रेट। रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए क्या कह रहा है कि पहले मेरे पास प्रिंसिपल और अमाउंट 8% बढ़ गया, यानी मैंने अगर प्रिंसिपल को 100 माना तो 8% बढ़कर 108 हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं कि जो आई है, यानी साधारण जो ब्याज है वो 8 रुपये है, तो क्या मैं गलत हूँ? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, पी आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर एस आई। ठीक है, तो देखिए पी अपन ने 100 रुपये माना है, तो 100 गुणा आर अपन को फाइंड आउट करनी है, समय 2 साल दे रखा है, अपॉन टी 100 है ना, और अपॉन 100 बराबर एस आई कितना है? 8 रुपीज़ है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 2 से ये 4 बार, तो आर बराबर क्या आ गई? 4% आ गई। क्लियर है दोस्तों? आर बराबर अगर 4% आ गई, अब कह रहा है 10 लाख रुपए पर उतने ही समय पर जो दर आई है, दर कितनी आई है? 4% आई है, उस पर क्या करो मुझे चक्रवर्ती ब्याज यानी कि सीआई बताओ। तो 2 वर्ष के लिए आप सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था नेट इफेक्ट लगाओ, तो नेट इफेक्ट लगा लो 4 + 4 + 4 × 4 / 100 100, तो कितना आ जाएगा? 8 + 0.16 यानी 8.16%। 10 लाख रुपए हैं, तो देखिए 10 लाख का मतलब है कि 1 2 3 4 5, 10 लाख यानी 10 के पीछे 5 जीरो हैं, 8.16% अगर निकालोगे तो ऑप्शन वाइज देखिए आपको कौन सा आंसर लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 816 है, जीरो तो कितने भी हों फिर भी आप करना चाहो तो 8.16 / 100 करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 2 जीरो और लगाऊंगा, तो 4 जीरो हटा दूंगा, 1 2 3 4, कितने आ गया? 816 00 आ गया। क्लियर है? ये मैंने यहाँ से इसको सेपरेट कर दिया, आपको समझ में आ जाए, जिसलिए यानी कि ऑप्शन नंबर आ गया बी। बहुत आसान क्वेश्चन था ना, पी आर टी अपॉन 100 से पहले मैंने रेट निकाली, नेट इफेक्ट लगाया और सी आई निकाल लिया। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है, ये बिल्कुल सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, तो उसी दर पर 2 वर्षों में 25,000 रुपये पर सीआई बताना है। देखिए कुछ भी नहीं है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर एसआई, आप सभी को पता है। ठीक है, तो मैंने 100 मान लिया, ठीक है, प्रिंसिपल, आर मुझे फाइंड आउट करनी है, 2 साल की बात है, 100। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एसआई कितना होगा, यानी कि ब्याज कितना होगा। देखिए 100 से 116 हो जाएगा क्या? मिश्रधन 16% बढ़ जाएगा ना, और 16% बढ़ जाएगा यानी कि 16 हो गया ब्याज, तो 16 मैंने इसके बराबर रख दिया, 100 से 100 कट गया, 2 से ये 8 टाइम्स कट गया, तो रेट क्या आई? 8% आ गई। ठीक है, 8% अगर रेट आ गई तो कह रहा है कि मुझे 2 वर्षों का मुझे क्या निकालना है? चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। देखिए मूलधन कितना है? 25,000। ठीक है, मैं इसमें लगा रहा हूँ ट्री मेथड, है ना, 8% को मैं लिख सकता हूँ 2/25। अब ये मत पूछना क्यों आया, 8/100 करोगे 2/25 आएगा, तो 25,000 में 2/25 का गुणा करो, कितना आएगा? 25,000 है ना, हाँ, तो 1,000 2,000,
2000, सेम चलता है 2000, ठीक है, 2000 पर फिर लगेगा 2/25, कितना हो जाएगा 80, 160। क्या पूछ रहा है? चक्रवर्ती ब्याज यानी ये पूरा कितना हो जाएगा, जोड़ लो 2000 2000, 4000, 4000 और 160 रुपए क्या आ गया इसका, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था ना, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। इसके बाद अपना कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 125 रुपए और 135 रुपए है, तो दर बताइए। सिंपल है, देखिए 125 रुपए है और 135 रुपए है, कोई से भी वर्ष का हो, कोई लेना देना नहीं है। आप इसको प्रिंसिपल मान लो, इसको अमाउंट मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि आप सभी को पता है कि ब्याज पर जुड़कर ब्याज लगता जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो देखिए अंतर कितने का है, 10 रुपए का अंतर है, है ना। किस पर है ये अंतर, 125 पर है, गुणा 100, ऐसे निकलती है रेट। कैसे हो जाएगा, 5 से काट दो, ये 2 बार कट गया, ये 25 बार कट गया, 25 से ये 4 बार कट गया, रेट कितनी निकल के आ गई, 8% निकल के आ गई। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, एक चुटकी का सवाल था, है ना। चलिए लास्ट है 10th क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं, यही लास्ट था शायद, एक मिनट देख लेते हैं। ये 8th क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25,000 रुपयों पर एक वर्ष के लिए 20% की दर से। देखिए मैंने है ना 9th क्वेश्चन पहले करा दिया, 8th क्वेश्चन अब करा देता हूँ, है ना, थोड़ा सा उल्टा हो गया। 8th क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, ये जो लास्ट क्वेश्चन होगा अपना, है ना, 25,000 रुपयों पर एक वर्ष के लिए 20% की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या होगा। देखिए कुछ भी नहीं है, 25,000 रुपये अपना को क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, रेट क्या दे रखी है, कितनी है, रेट है 20% और टाइम है 1 साल, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि क्या बोलते हैं, वार्षिक और अर्धवार्षिक में क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज में अंतर निकालना है, ठीक है। तो वार्षिक में तो मैंने आपको बताया था कि एक वर्ष के लिए 20% ही रहेगी, लेकिन अर्धवार्षिक होते ही दर को आधा करना पड़ेगा, समय को दुगना करना पड़ेगा, तो दर को आधा कर दो कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी, ठीक है। अब 10% हो जाएगी तो समय दुगना हो जाएगा, दुगना होते ही क्या हो जाएगा, नेट इफेक्ट लगाना पड़ेगा, है ना, यही बताया था ना। देखिए दर को मैंने आधा कर दिया, समय को दुगना कर दिया, क्योंकि हाफ ईयरली केस है, एक तरफ कह रहा है कि एनुअली, एक तरफ कह रहा है हाफ एनुअली, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, 20 और ये 21, है ना, 21%। अंतर कितने का लग रहा है आपको, ये है 1% का अंतर, अंतर निकालना है। तो 1% का मतलब अपन को निकालना है, लेकिन 100% की वैल्यू अपन को दे रखी है 25,000 रुपये, है ना। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है एग्जामिनर, 100% की वैल्यू दे रखी है, 1% की पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगी, कितना आएगा, 250 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल सिंपल था। एक वर्ष की बात थी वार्षिक में, लेकिन जब एक वर्ष अर्धवार्षिक के रूप में लेंगे, हाफ ईयरली केस में 1 साल तो 2 साल हो जाएगा, रेट उसकी आधी हो जाएगी, नेट इफेक्ट लग गया, 1% का अंतर था, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 250 रुपीज इसका आंसर आ गया। देखिए ये 8th क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इससे पहले 9th क्वेश्चन करा दिया था, यानी 9 क्वेश्चन आज के सेशन में थे। चलिए तो देखिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, आज अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हो गया कंप्लीट, है ना। अब इसके बाद अपन करेंगे इंस्टॉलमेंट यानी कि किश्त, डाउन पेमेंट अपन दे के आते हैं, किस तरह से अपन को ब्याज लेता है, या किसी ठेकेदार पे अपन ने कोई मकान खरीदना है तो वो किस हिसाब से अपन से क्या लेता है, किश्तें लेता है, अपन को किस तरह से फ़ायदा होता है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। तब तक के लिए आप अपने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट को तैयार कीजिए, रिवाइज कीजिए वीडियोज़ को। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो, है ना, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।